हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आप सबका ज्योतिष किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है साउची स्पेशल रेड एडमी की। दिखने में काफी सुंदर, क्रिस्पी टेक्सचर और टेस्ट में इतना स्वादिष्ट कि आप इसे बार बार खाना चाहोगे। एडमी एक ऐसी स्टफ क्रिस्पी पूरिया है जो आप टी टाइम स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, स्टार्टर की तरह खा सकते हैं या वेज या नॉन वेज करी के साथ भी खा सकते हैं। साउची ट्रेडिशन में एडमी काफी पॉपुलर है। इस लाल एडमी की खासियत ये है कि इसमें स्पाइसी टेस्ट आने के लिए फ्रेश लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये एडमी आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी रेड एडमी की। एडमी बनाने के लिए हमें दो तरह के डो बनाने हैं, एक आउटर लेयर के लिए मैदे का और दूसरा स्टफिंग के लिए बेसन का। तो पहले मैदे का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो मैदा लिया है। मैदे का डो स्टिकी बनाना है, इसलिए मैदा फ्रेश होना काफी जरूरी है। जब भी आप एडमी बना रहे हो तो मैदा अच्छा क्वालिटी का ले। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक मिलाएं। एडमी का कलर लाल अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 ड्रॉप्स रेड ऑर्गेनिक कलर मिलाया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। सभी सामग्री को एक बार अच्छे से मिला लें। एडमी का टेक्सचर कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच तेल अच्छे से गर्म करके चारों ओर से डाल दें। तेल इतना गर्म होना चाहिए जो मैदे के ऊपर डालते ही मैदा तड़कना शुरू हो जाए। अब स्पैटुला या चम्मच की मदद से सामग्री मिक्स करें, हाथों से बिल्कुल न मिलाएं। 1-2 मिनट के बाद मिश्रण ठंडा होता है, तब हाथों से अच्छे से मिला लें और दिखाए गए तरीके से मूड बनाकर चेक करें। अगर अच्छे से मूड बनती हो तो समझ लें कि तेल की मात्रा ठीक है, और अगर मूड ना बनती हो तो 1/2 चम्मच तेल गर्म करें और मिला लें। सभी सामग्री डालकर हो चुके हैं। अब जरूरत के हिसाब से पानी डालकर मैदे का आटा भून लें। पानी नॉर्मल वाला ही यूज करना है और आटा बिल्कुल सख्त भूनना है, यानी कि हार्ड टेक्सचर वाला डो बनाना है। 1/2 किलो मैदे के लिए लगभग 1 गिलास पानी की जरूरत होती है, पर पानी एक ही बार सभी ना डालते हुए थोड़ा थोड़ा डालकर आटा भून लें। और अब मैदे का आटा भूनकर हो चुका है, ऊपर से 1/2 चम्मच तेल डालें और फिर से एक बार अच्छे से मसल लें, जिससे भुना हुआ आटा स्मूथ और चिकना बनता है। आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि मैदे का आटा कितना सख्त बना है। अब इस आटे को एक साइड रखते हुए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि स्टफिंग के लिए बेसन का डो बनाने की तैयारी करते हैं। बेसन का डो बनाने के लिए पहले हम लाल मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। लाल मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 15 से 20 लहसुन की कलियां, 15 से 20 अदरक की पीसेस, 15 से 20 फ्रेश लाल मिर्च। अब एक मिक्सर के जार में लाल मिर्च, अदरक, लहसुन डाल दें और अच्छे से महीन पीसकर पेस्ट बना लें। लाल मिर्च इस तरह से तोड़कर डाल दें जिससे पीसने में आसानी हो। अदरक भी हमने काफ़ी छोटे पीसेस में काट लिया है। बड़े पीसेस बनाकर पीसेंगे तो अदरक के धागे बीच बीच में आ सकते हैं, इसलिए छोटे पीसेस बनाकर लें। सभी सामग्री अच्छे से पीसकर महीन पेस्ट बना लें। अगर फ्रेश लाल मिर्च अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, बस अदरक और लहसुन पीसकर महीन पेस्ट बना लें। बाकी मसाला मिलाते वक्त लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं। और यहाँ पे हमारा लाल मिर्च का पेस्ट तैयार है। अब उसी परात में 1/2 किलो बेसन लें। बेसन अच्छे से सीव किया हुआ और फ्रेश होना जरूरी है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर थोड़ा सा गर्म करके पिसा हुआ है। फिर 1 चम्मच अजवाइन पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 5 चम्मच हल्दी पाउडर, करीब 2 चम्मच नींबू का रस और 1 छोटी कटोरी सफ़ेद तिल। अगर आप फ्रेश लाल मिर्च ना मिला रहे हो तो इस स्टेज में लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। करीब 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें और सभी सामग्री अच्छे से मिला लें। फिर 2 चम्मच तेल अच्छे से गर्म करके चारों ओर से डाल दें। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि बेसन इस तरह से तड़कना शुरू हो जाए। अब सभी सामग्री स्पैटुला या चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लें और करीब 1 कटोरी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां डाल दें। फिर हमने बनाकर रखा हुआ लाल मिर्च का पेस्ट डाल दें। अब सभी सामग्री अच्छे से मिला लें, जो डाला हुआ मसाला अच्छे से घुल मिल जाए, और मसलते हुए बेसन का आटा भून लें। बेसन का आटा भूनते वक्त पानी की जरूरत नहीं होती। लाल मिर्च के पेस्ट में जो पानी होता है उसी में बेसन का आटा भून कर तैयार होता है। अगर लाल मिर्च पाउडर मिलाई हो तो पानी की जरूरत हो सकती है, पर जरूरत लगी तो ही पानी डालें या फिर बिना पानी बेसन का आटा भून लें। बेसन का आटा भूनते वक्त ध्यान रखें कि मैदे का आटा जितना सख्त बना है उतना ही बेसन का आटा सख्त बनाना है, यानी कि मैदे के आटे की और बेसन के आटे की हार्डनेस इक्वल रखनी है। अब परात के ऊपर थोड़ा सा गीला किया हुआ कॉटन का कपड़ा कवर करें और 2 से 3 घंटे के लिए आराम दें। करीब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, कपड़ा निकाल कर देख लेते हैं। मैदे का आटा काफ़ी चिकना और स्मूथ बना है, पर एडमी की पूरिया हल्की और क्रिस्पी बनाने के लिए मैदे का आटा मिक्सर में एक बार अच्छे से पीस लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये वाला स्टेप पुराने जमाने में कूट कूट कर आटा बनाते थे, वही स्टेप हम मिक्सर में पीस कर पूरा करेंगे।
बस एक ही बार मैदे का आटा सभी ना डालते हुए थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से पीस ले, इससे मिक्सर पर लोड नहीं आएगा। करीब 2 से 3 मिनट मिक्सर चलाकर मैदे के आटे को पीस ले। आप देख सकते हैं मैदे का आटा काफी अच्छे से गूंद मिलकर पीस कर तैयार है। अब आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर एक बार अच्छे से मसल ले। इसके बाद मैदे के आटे की लोइयां बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस निकाल कर लोइयां बना लेंगे, क्योंकि ये तो अभी आउटर लेयर है। इसमें अभी हम बेसन का स्टफिंग भर कर लोइयां बनाने वाले हैं। जितने छोटे पीसेस आप मैदे के आटे के बनाएंगे, उतने ही साइज के बेसन के स्टफिंग के पीसेस बनाने हैं। यानी कि मैदा और बेसन के गोले का साइज सेम होना चाहिए। इसी तरह से दोनों आटे से लोइयां बनाकर अलग अलग बाउल में रखकर ऊपर से थोड़ा तेल ब्रश करेंगे, जिससे बनाई हुई लोइयां सूखेंगे नहीं और बिल्कुल वैसे की वैसे फ्रेश बने रहेंगे। अब लोइयां स्टफ करना शुरू करते हैं। पहले एक मैदे की लोई हाथ में लेकर इस तरह से उंगलियों से बुनकर एक छोटी कटोरी बना ले। फिर उसमें एक बेसन का स्टफिंग भरकर दिखाए गए तरीके से मैदे का आटा बेसन के ऊपर कवर करके बंद कर दे। दिखाए गए तरीके से लोइयां स्टफ करेंगे तो पूरियां बेलते वक्त मैदा एक बाजू में ना आते हुए सभी ओर से इक्वली स्प्रेड होता है। और यहाँ पे हमारा इडली का गोला बेलने के लिए तैयार है। इडली की पूरियां बेलने के लिए मैंने यहाँ पे हली की शीट यानी कि मेटल शीट का इस्तेमाल किया है। इस शीट की वजह से पूरियां बिल्कुल पतली बेली जाती है और बेलने में आसानी भी होती है। पूरियां बेलते वक्त मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बार में 15 से 20 पूरियां बेल कर तेल में डीप फ्राई कर सकते हैं। और देखते ही देखते इडली की पूरी बेलकर तैयार है। काफी सुंदर कलर और बिल्कुल पतली बनी है इडली की पूरी। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम करें। तेल की हीटिंग चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदे का पाउडर डालकर देख लें। फिर पूरियां तलना शुरू करें। पूरियां तलते वक्त गैस मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर डीप फ्राई करें। 2 से 3 बार पलट पलट कर पूरियां फ्राई करें। एक पूरी तलने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट की जरूरत होती है, पर एक बार में एक ही पूरी फ्राई करें। पूरी का रंग थोड़ा सा बदलना शुरू होते ही पूरी तेल में से बाहर निकाल ले। तेल अच्छे से निथरने के बाद पूरी प्लेट में निकाल ले। फिर टिश्यू पेपर में रखकर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल ले। और यहाँ पे हमारी रेड इडली बनकर तैयार है। इडली पूरी तरह से अच्छे से ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। कम से कम 1 महीना ऐसे ही क्रिस्पी और क्रंची बनी रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी साउजी स्पेशल रेड इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।